आगामी 28 এবং 29 মার্চ যে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছে তা সফল করতে জামুরিয়ায় জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সভা করা হয় কুনুস্তোরিয়া এরিয়া অফিসের বাইরে। সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে এই ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যেই এই সভা করা হয় বলে জানা গিয়েছে। हमारे ऊपर हमारा शोषण हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर हमारी नौकरी खतरे में पड़ रही है, हमारा भविष्य खतरे में पड़ रहा है। अगर उसका हम विरोध नहीं करेंगे, उसका प्रतिवाद अगर हम नहीं करेंगे, तो एक तरह से जो हमारा शोषण कर रहा है, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये उसकी मदद होगी। ये बात सोच कर करके हम लोग को हड़ताल में जाना चाहिए। 28-29 तारीख की जो हमारी हड़ताल है उसमें जाना चाहिए। साथ ही चूंकि हमारे और भी बहुत सारे वक्ता हैं, इसलिए हम दो चार शब्द ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं कहना है। आप लोगों को मालूम है कि 28-29 तारीख की हड़ताल क्यों होने जा रही है। आज हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे सामने जो खड़ा हो गया है वो ये है कि आपने देखा, हम अगर कोल इंडस्ट्री की बात करते हैं, बाकी पब्लिक सेक्टर की बात करने में ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन अगर हम कोल इंडस्ट्री की ही बात करें तो हमारे साथियों ने आपको बताया कि कोल इंडस्ट्री पर जो पहले शुरुआत हुआ शेयर बिक्री से, सरकार ने यह देखा कि शेयर जो है उसको खरीदने के लिए जो पूंजीपति हैं वो नहीं आ रहे हैं, बहुत कम लोग आ रहे हैं। तब उसने क्या किया कि उसने जो है कमर्शियल माइनिंग का नारा दिया, कानून में संशोधन किया और जो है कोयला जो है आपका उत्पादन करने का, कोयला बेचने का, अपने दाम पर बेचने का अधिकार जो है पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। जामुरिया से हरी घोषेर रिपोर्ट, ANM न्यूज़।